जा दो ए हरिओम स्टूडियो हमरे बड़े भैया अभिमन्यु जी के देख रेख में ही बिरहा होत बा। ये बिरहा के जे भाई सुनी जे भैया लोग सुनत बनी तो एक बार आप लोग अपन आशीर्वाद जरूर दी है और कमेंट में बताई है ई बिरहा कैसन लगल। चार लाइन भूमिका में भाव मास्टर साहब कलजुग के ढोंगे पखंडे पुजारी तिलक माथा चंदन लगा बंते स्वामी खाते सड़ी मांस पीते हम मदिरा धर्म बेच कर वो बने अंतर्यामी गजब लक्षदारी कवत्व्य देकर फसा लेते चंगुल में मोटा यसामी अरे घर लूटने को जिगर लूट लेते ये साले बने हैं गजब के हरामी। ये देखे बाबू आज दुनिया में विश्वास सबसे बड़ी चीज बा। विश्वास करा लेकिन अंधविश्वास मत करा ये बाबू। काहे से कहल गइल बा विश्वास से विकास होला अंधविश्वास से विनाश होला। एक लाई कव्वाली का टुकड़ा लगल बा मास्टर साहब क्या बात है अरे आए मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर किसी का अरे घर किसी का प्रकाशित हुआ दीप से शुरुआत बा। आप लोग कहानी पर गौर करी हैं कहानी कहां से कैसे लिखल गई मास्टर साहब किस कलम से लिखूं दर्द इस जमाने का किस कलम से लिखूं इस जमाने का बेगाना अपने हुए फर्ज है मनाने का प्रांत बिहार सीतामढ़ी के माही पाल रहे प्रांत बिहार सीतामढ़ी के माही पाल रहे चांदवा सूरज गोदी के नौ निहाल रहे ब्याह पे तो
सीतामढ़ी के रहे वाला एक किसान जेकर नाम बतावल गल बाबू महिपाल जी। महिपाल के दू गो बेटवा, बड़ा वाला बेटवा चंदन और छोट बेटा सूरज। बाबू महिपाल सिंह दोनों बेटवन के बियाह कैलन। चंदन का बियाह रागिनी नाम के लड़की से और छोटे बेटा सूरज का बियाह कंचन नाम के लड़की से। गृहस्थी बहुत बढ़िया चलत बा, बड़े खुशी का बात ही बा। बड़के भाई चंदन के एगो बेटा पैदा होत बा बाबू, जौने बेटवा का नाम परिवार के लोग बड़े प्यार दुलार से पिंटू रखलन। समय बीतत बा लेकिन भैया हो सूरज के कोनो औलाद ना होत बा। आ चंदन अपने बीबी बच्चा के लेके दिल्ली शहर में नौकरी करत हुए एक दिन फोन करके सूरज अपने बड़े भाई चंदन से कहला कि भैया बाबू घरे खेती बारी देखत हुए आ हमहू चाहत बनी कि थोड़ा से दिल्ली आई घूम ली। बड़का भाई चंदन सूरज का टिकट कटौलन और दिल्ली बुला लल। जब सूरज दिल्ली पहुंचलन तीन चार दिन बीतल बा, न बढ़िया से खाए न बढ़िया से सूते, बड़े टेंशन में हुए। मात्र टेंशन एक के बा अपने बड़ी भौजी रागिनी से हाथ जोड़ के अपने टेंशन का बात बतावत हो। का बतावत हो मास्टर? एक लाइन गीत लगल बा। हसी हसी गोरी कहे, हसी हसी गोरी कहे मानसैया भतिया, गढ़ू नत हालू का गढ़ा दाती न पतिया। भौजी से कहलन का हाथ जोड़ सूरज कहे, हाथ जोड़ सूरज कहे माना भौजी बतिया, घर से मंगाए दा हमार आवरतिया। अस्पताल में करा दी दवाई, यह दुख साले भौजी, यह दुख साले भौजी दीनवाय रतिया, घर से मंगाए दा हमार लावर दिया। ए बाबू सूरज कहले भौजी हमरे टेंशन के कारण पूछत हो, तो टेंशन यह एक न बा, भगवान तो सब कुछ दहलन लेकिन एक औलाद बेगर मन बड़ा उदास रहेला। तो हम चाहती भौजी कंचन के बुला ले तू, यही को ही दवाई बढ़िया से करा दी हल जात तो हो सकत कि कंचन को भी
भगवान सुन लेते हैं कौनो औलाद हो जात तो हमनों का दिल बड़ा खुश हो जात। ए बाबू इतनी बात के जब भौजाई रागिनी सुन ली कहली देवर बबुआ जब तोहार दिलोवे कहत बा तो एक काम करा कंचन का टिकट कटावा आ कंचन के बुला ला। कंचन का टिकट कटौले बाबू आ कंचन के दिल्ली बुला लो। आ जब दिल्ली बुलौलो तो रागिनी देखा करत काही मास्टर साहब एक लाइन यहाँ गीत लगल हो। हमार पाय जे बरा जही राजनादा कवन दुखवा हम के देहला विधाता करावे कंचन के दबाई अ कुछ न भयल कैले पैसा वराई बाबू हो। रागिनी बेचारी कहां ना भटकली दर दर लेके कंचन के भटकत होई लेकिन कौनो दवाई दर्पण बाबू आराम ना कैलस हो। शहर का मामिला बा यहाँ से दवाई ऊपर से चार छह लोगन का खर्चा धीरे धीरे पैसा खत्म होके लगल। आज पैसा खत्म होत बा तो पूरे परिवार के टेंशन होत बा। तो कुछ दिन के बाद एक चंदन के रूम से दो चार गो रूम के बाद एक मनोज नाम का आदमी जे आयल सूरज के बढ़िया सलाह दे दलस। कल सूरज काफी दिन से परेशान हुआ बड़ा दवाई दर्पण कैला कोनो औलाद तोरे अभी तक भइल ना। एक उपाय बतावत है सूरज अगर आपके मंजूर हो तो वहां चल जा और जरूर हमके लगत बा कि भगवान तुहर सुनी है और तुहरे कौनो न कौनो औलाद जरूर होई। कहां जाए के मनोज सलाह दलन कुछ है दूरी पर एक तांत्रिक रहेला। तांत्रिक बाबा बड़ा चर्चा बा। अब सूरज अपने दुल्हिन कंचन के लहले हो बाबू अचल गई ले तांत्रिक के पास।
आ जैसे ही तांत्रिक के पास गईल, ओ तांत्रिक कंचन के नीचे से ऊपर लगल निहारे। अब मनवा में सोचत हो तो गजब का लगत बा। अच्छा तो पपियावा शिकार बनावल चाहत बा। जब नीचे से ऊपर निहार ललस, अब लगल हवस के आग में जले हो बाबू, सूरज से कलस के बेटा, ये तो बहुत अनर्थ होने वाला है। मैंने देख लिया, एक काम करिए, आप बैठिए, अब मैं अंदर ले चल के झाड़ फूक कुछ करता हूँ। अंदरवा ले के पपियावा तांत्रिक पहुंचल हो, आ जब गयल तो कैलस का लालची लोमड़ी तांत्रिक आंखों आकर वास किया। अरे लालची लोमड़ी तांत्रिक के आंखों आकर वास किया, पत्थर पर धूप उगा दूंगा पाजी ऐसा विश्वास दिया। कंचन की भरी जवानी वह हवस कुंड में लाया है। अरे कंचन की भरी जवानी वह हवस कुंड में लाया है, मदहोश बदन कर अबला की वह अपनी आग बुझाया है। ए बाबू, जब कंचन के लेके अंदर गयल तो बढ़िया मठ बनौले बा, सामने ऐसे बैठा दलस। अब वो कुछ जड़ी बूटी बा प्रसाद में मिलाई के नशीला पदार्थ कंचन को खिला देता है। कंचन खाते है बाबू, लगली झूम है, अलर्थ भागे लगल। अब झूमत झूमत कंचन धड़ाम से ऐसे गिरली। आ जब ऐसे गिरल उ पपियावा तांत्रिक देखलस हो बाबू, कैलस का मास्टर एक लाइन गीत लगल बा। अरे पियावा, अरे दुल्हा, अरे पियावा मिला ला 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 मुंगावा, देखली सपनवा रे भाऊजी। भाव पर गौर करे बाबू, कहना है अरे अबला का लूटा लाई मनवा, बोलल बेई मनवा ये भाईया। पचवाया बोध कटा ही से ले आवा, देखे बलिदान अपन सेनहुरा बचावा, अरे तब पैबू गोदी में लला नवा, बोलल बेईमानवा ये भाई। पापी तांत्रिक बेहोशी हालात में कंचन के साथ दुर्व्यवहार करता है, इन्हें गलत काम करता है। अब धीरे धीरे कंचन के ओ जो नशीला पदार्थ खिलाया था ओकर असर हटल, कंचन के होश भइल। आप कंचन उठ के अपन माटी ओटी झारत है, आई पपियावा नीचे से ऊपर तांत्रिक देखते बा, कले बेटा बहुत अनर्थ होने वाला है, तुझे पता नहीं है। अरे तुम्हारा पति तो कुछ ही दिन का मेहमान है, मर जाएगा, तुम विधवा बन जाओगी। अरे इतनी बतिया जब कंचन सुनलस हो बाबू,
खरजवा कापे लगल लगल रोवे बाबा कौनो उपाय तो हो ही जरूर बाबा। तांत्रिक बोला हाँ बेटा एक उपाय है, एक जान का बदला जान देना पड़ेगा, एक बच्चा ढूंढ कर लाइए, एक बेटा बेटा एक लड़का कलशकंचन अच्छा अच्छा एक लड़का कहीं से ढूंढ कर लाइए, उस बच्चे की हम बलि चढ़ाएंगे और आपका सिंदूर सलामत रहेगा, और उसके बाद तुम्हें कुछ ना कुछ औलाद भी हो जाएगा, तो करिए इंतजाम। बेचारी कंचन जब बहरे आई तो सूरज पूछला कि कहा बाबा कहा बतौलो है कुछ ठीक ठाक मामिला बा। कंचन कहला कि कहा बताई पति देव बहुत डर लगत बा, बाबा कहलन है तो कुछ दिन के मेहमान हुआ हम विधवा बन जाई। एक उपाय बा स्वामी जी, एगो लड़का चाहत बा, बलि दी है बाबा तू बच जाइबा। दोनों प्राणी का उदास मन हो गया। चलल हुए बाबू आपस में विचार करत हुए, निराश मन लेके चलत हुए, अब मन में सोचत कहा हुआ दोनों प्राणी मास्टर साहब दोनों प्राणी मानावा में कैला बेचारावा, अरे कैला बेचारावा हो खोज चलला बचावा ना दान। आज आया जो रहोई बाबा के सरानिया, अरे बाबा के सरानिया हो चेहरा ता जाए मूसा कान जी। सपना सा जावत आइले अपने भावनावा, अरे अपने भावनावा हो दर खेला बचावा ना दान। चाचा चाचा कही के आयल गोदी में सुगानावा, अरे गोदी में सुगानावा हो लेके भागे चल बेईमान जी। ए बाबू देखें दोनों प्राणी बड़े उदास है, शहर का मामला है, कहाँ बच्चा मिलेगा, कहाँ हम लोग ढूंढेंगे। जैसे ही बाबू दोनों प्राणी अपने घर में प्रवेश करत हुए, चंदन का बेटा पिंटू चाचा 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 चाची कह के आई के सामने खड़ा हो गई लन। इतने में भैया हो कमवे तो गड़बड़ हो गया। वो दोनों प्राणी वो बचवा के उठौले, आ जब सूरज पिंटू के गोद में लहलस अल्ले के बाबू चल धलस। आ यहार का बात छोड़ा, जरा यहार दिमाग लेके चला, हई सूरज के और रागिनी का हालत बा हो मास्टर साहब। एक लाइन गीत लगल बा अरे कही दा भौजी भैया जी से, अरे कही दा भौजी भैया जी से दे दे मोर गवनवा। अरे रोवली मतारिया सू, अरे रोवली मतारिया सू भारी के नयनवा।
मोदी का लाला नवाबो चांदन कुमार पाता लाल का लगावा ले चांदन कुमार पाता लाल का लगावा ले चांदन कुमार पाता लाल का लगावा ले राखियां बाबा के भावनावाराम आया हवार माई रोई रोई खो जली सुगनावाराम चंदन ड्यूटी से घर आइलन सुनले हमार पिंटू बेटा कहीं हेरा गई कुछ पता नहीं खे चलता टोला मोहल्ला में बाबू सबसे पूछे लगले हो भैया लेकिन कहीं पिंटू का पता ना चलल आ यार रागिनी के हालत गड़बड़ भइल चल जात बा रोवत रोवत बेहोश हो जात हई जब होश में अवत हई बाबू रोई के है बतिया कहत हई बेर बेर हे भैया पत्थर सा कलेजा पिघल जाएगा मेरे बाबू का कहत थी मास्टर साहब तनिक भर में कतही हेराई गईले हीरावा तनिक भर में कतही लुकाई गईले हीरावा अब ही अपने हाथे अपने लाल के खियावाली हरवा में गईली आईली लाल के ना पावली हरवा में गईली आईली लाल के ना पावली हरवा में गईली आईली लाल के ना पावली बजर पिपति आगे राई गईला गिरावा पराई गईला गिरावा तनिक भर में कतही लुकाई गईला गिरावा ए बाबू माई रोवे हो कहा बहिन अपने लाल के खियौली है पियौली है आ यही दुअरी है पर बैठौली हमार लाल खेलत रहला है कहा हमार हीरा चल गईलन इतने बतिया कही के माई फिर बेहोश हो गईली लोग डॉक्टर के पास रागिनी के लेके जात हुआ भैया हो और तब ले देखल जा ई दोनों प्राणी सूरज और कंचन पहुंचले वो पिंटू के लेके कहा मास्टर साहब अनजान पिंटू रोवे कंचन के समानावा हो
ए बाबू भूखल प्यासल पिंटू छटपटात बा, चाची से कहला चाची बड़ा तेज भूख लगल बा चाची, कुछ खिला दी चाची। तो चाची इशारा वो तांत्रिक के तरफ करत बा। तब पिंटू चाची से पूछलस, का पूछत बा? फूला मिष्टाना माला बैठा ले का दाढ़ी वाला, अरे बोला के कर करापू पूजा नवाए चाची जी। ए बाबू इशारा कैलस तांत्रिक के तरफ जब, तो बोला बेटा पिंटू चाची पूजा होई। चाची कहला हाँ हाँ बेटा पूजा होई, पूजा के बाद तो के ई फूल माला चढ़ी मिठाई खियावल जाई। लड़का मने मन बड़ा खुश हो गयल, अब हमरा के चाची मिठाई दी है, हमरा के खाना दी है। अयतने में बाबू हो तांत्रिक तब इशारा कैलस कि जल्दी करिए, बलि की टाइम निकल रही है। कहत बका बोला ढोंगी तांत्रिक या बा बच्चा वाके न हुआई देबू, अरे आई लबेला होई अनुष्ठान वाले चाची। ए बाबू हो तांत्रिक के इशारा पे चाचा चाची मिलके ओ बचवा के नहुआवत हुए। अब पिंटू बड़ा खुश बा, नहात बानी, पूजा होई, मिठाई खाई। अयतने में जब चाचा चाची पिंटू के नहुआ के लेके अइलन तांत्रिक के सामने खड़ा कैलन, तो तांत्रिक इशारा कैलस का हाथ गोड़ा बाधी ठूस मुँह में कपड़ावा हो, अरे रोई रोई कहे ला सुगना वाले चाची जी। रोई रोई कहे ला सुगना वाले चाची जी, रोई रोई कहे ला सुगना वाले चाची जी। तांत्रिक बोला बलि की टाइम, बलि की मुहूर्त निकल रही है, एक काम करिए जल्दी इस बच्चे का हाथ पैर बांध दीजिए। ए बाबू चाचा चाची मिल के हो पिंटू का हाथ पैर बकायदे बांधलन। आ जब हथवा पैरवा बांधत हुआ भैया हो, पिंटू लगल रोए, कहत बा का मास्टर साहब? अरे मोरे राम ममता की चादर मैली हो गई, निकले हवन कुंड से बन के गंद बिसैली, अरे बिसैली अरे बिसैली। अरे रोवा पिंटू सूरज क्या समानवा हमारे चाचा जी, काहे मारत बाटा मोर परनवा हमारे चाचा जी। भूलैला तू दुलारावा हो, और रोई रोई के खोजत होई है अपने छाती का टुकड़ावा हो। अरे छोड़ी दा हमारे दहिया का बनावा हमारे चाचा जी, अमरी जई है पर माई बिन सुगनावा हमारे चाचा जी। ए बाबू
पिंटू रोवत हुए, चाचा मत मारा चाचा, चाची तू ही बचा ला चाची, मम्मी हमार रो रो के मर जाई। इतने में बाबू पापी नीच कमीना तांत्रिक इशारा करता है, एक लाल कलर का कपड़ा था और बोला इस बच्चे के मुंह में डाल दो, इसकी आवाजें बंद हो जा। ऐसे ही बाबू कपड़वा लपेट के हो वो पिंटू के मुहावा में ठूस दल है। अब पिंटू इधर उधर मछरी नियन तड़पड़ात हो भैया हो, और तब ले वो पपियवा तांत्रिक सूरज के इशारा कैलस का करतवा मास्टर साहब। अरे काई के इशारा तांत्रिक पिंटू के पकड़ी हो लिहलस, पापा कही के रोवेला सुगनवा बाबू, सुमनवा भैया बाबू भाई देखा ओ तांत्रिक पापी इशारा करता है, जो हाथ है बधा हुआ इसी हाथ पे पापी तांत्रिक चढ़ जाता है, और जो पैर बधा हुआ है पिंटू का उसी पैरवा पे भैया हो उच्चचियावा चढ़ गई। अब इधर उधर पिंटू करत हुए जान बच जा, तबले भैया हो यही बेड पे बैठ के पापी चाचा सूरज गर्दन पर छुरी चला दिया, शरीर अलग धड़ अलग। तांत्रिक बोला ए बलि सफल है, लेकिन एक काम और करना होगा जिससे तुम्हारे पास कोई औलाद होगी। वो कौन सा काम है? सीनावा के फारी के का रे जवा निकल ले बाबू, पुतरी कले जा पापी आगिया में भुजल बाबू, बाबू पपियवा तांत्रिक सूरज से कहलस एक काम करिए जिससे तुम दोनों का बहुत बड़ा फायदा होगा। जो औलाद के लिए कार्यक्रम करना अभी वो तो बाकी है,
इस बच्चे का कलेजा निकाल लीजिए। ए बाबू, उसी चाकू से सीना के चीर के कलेजा निकाल ललस। ओकरे बाद पिंटू का दोनों आंख भी निकाल ललस। अब वो तांत्रिक बोला कि एक काम करिए, इसको आग में भूज डालिए। बढ़िया से आग में भुजाइल ओ कलेजा और दोनों आंख का पुतरी हो बाबू, चिखना के रूप में ओ पपियवा खात बा तांत्रिक और दारू पियत बा। अब पियला के बाद अब सूरज के पियावे शुरू कैलस, और सूरज के बल भर दारू पियाए के बाबू सुताए दहलस। और करे बाद अब फिर पै को तांत्रिक पापी बनाया और कंचन को पिलाया। बस ओकरे मन में हवस के आग जलत पा, को भी आग के बुझा ली। फिर इशारा कैलस कंचन से, कलस के काम करो, ये जो बच्चे की लाश है ना इस झाड़ी में डाल दो, और उसके बाद कुछ जंगल से पत्ते बीन करके इस लाश को ढक दो। कंचन उहे काम कैलस बाबू, लसिया के ढक दहलस। लेकिन वाह, कभी कभी कहल जाला ए धरती पे पाप तो डेली होत बा, लेकिन कभी कभी यैसन कुछ पापी पाप कर जालन जौने से भगवान के भी चोट लग जाला। भगवान का करिश्मा देखा, वही जंगलवा में एक सांप बड़ा जोर से फुफकारता है। आप फुफकारते हुए कुछ चरवाहा हुए बाबू, वही चरवाहन के तरफ जाए शुरू कैलस। आ तब ले चरवाहन का निगाह वो सांप पे पहुंचल, आ सपवा के लाठी लेके चरवाहा सब दौड़ाल हमें मारे बदे। अब उस सांप भागे लगल, अब भागत भागत पहुंचल कहाँ ये बाबू, वही झाड़ी में जाए के छुपत बा। आ लईका आइलन चरवाहा जब अपने डंडा से अब वो पतई के हर बार हटावे लगल तो सांप नदारत। अब मिलल का बच्चे का इतना गर्दन, और उसके बाद और पतई के सब हटौलन तो एक बच्चे की शरीर आवाक हो जाते हैं चरवाहा, शक करते हैं अभी जो तीन प्राणी यहाँ थे हमें लग रहा कि वही लोग कांड करके जा रहे हैं। तुरंत चरवाहा सब पुलिस के फोन कैलन, पुलिस जंगल में आ गई। आए के पहले वो तीनों जने के पकड़लस, अत देखा त नशा में फूल। आ जब वो लसिया के तरफ दरोगा साहब गईलन तो लाश को देखते हैं हल्का हल्का दरोगा साहब पहचान रहे हैं। बोले एक सिपाही से, काम करिए गाड़ी में कुछ फोटो है, उस फोटो को लाइए और मिलाइए इस बच्चे को। फोटोआ देखत हैं और बचवा के लसिया के मिलावत हुए। कहला अरे यार, ये जो चंदन गुमशुदगी का वो जो लापता का वो जो FIR लिखाया है, ये वही तो लग रहा है चंदन का बेटा, ये तो पिंटू लग रहा है। एक काम करिए, ए बाबू पिंटू के फोन कैलन दरोगा साहब। आ जब पिंटू अपने औरत रागिनी के लेके पहुंचल हुए, रागिनी देखली हो बाबू अपने बेटावा के क्यों ना पहचानी, बेशक ऊ आंख निकालल बा कलेजा निकालल बा, लेकिन माई पछाड़ खाई के वही लसिया पे गिरली। आ गिर के रोय के कहत कबाड़ी हो बाबू, कबेर लाल मम्मी कहके हम के बोलाता, कबेर लाल मम्मी कहके बाप रे बप्पा। माई रागिनी गिर के रोवत है, खाली आए हो लाल अब हमके के मम्मी कही के बोलाई हो हीरा। इतने कहत बाबू
लसिया के छोड़ के रागिनी बगलिया में अपने देवर देवरानी के पास गईली। कहत है का रागिनी पूछली सूरज के समानवा कवन कारण फूकला हमार गुलशनवा। रागिनी का दिल दिखाओ जाय के कंचन कई है कपड़ा सुहरावत है। काली तो के बहिन मनली कबो तोरे बारे में गलत नाई सोचली कंचन तवा दुवाक सब कुछ करेली। जब तो के औलाद ना भइल ए मां हमार कवन दोष रहा ले बाबू। देवर के भी पास जाय के रागिनी रोवत है। अब कंचन और सूरज बैठल हुए कुछ बात समझ में ना आवत बा। सूरज और कंचन बैठल आसिया बहावे हाथ हाथ करिया तब दरोगा जी लगावे। साहब कंचन के और सूरज के हाथ में हथकड़ी लगौलन ले जात हो जेल में बंद करे बदे। लेकिन रागिनी का दिलवा ना मानत बहो भैया। रागिनी अपने पति के पास गईली और जाय के फिर पति के पैर पे गिर के रोवे शुरू कैली। चल गई लाल फिर कोई हाल ला नवा दुनिया में फिर नहीं पाई बाबी रानवा। रागिनी के बाबू हो परिवार का मोह माया छोड़त ना बा। इतना गलती कैले के बाद फिर भी रागिनी अपने पति से हाथ जोड़ के कहली स्वामी जी हम जवन देवर देवरानी कष्ट दिलन अब के भुला जल जल लाल गयल हमार लाल तो फिर वापस ना आई। लेकिन ई देवर देवरानी के दरोगा साहब ले के गईले जेल में मालूम ना कितना सांसत करी है मरी है पिटी है। चल के न स्वामी जी देवर देवरानी के जेल से बाहर करवा दी। पारे औरत एक औरत होने का मिसाल कायम किया। रागिनी के कहले पर बाबू हो कानूनी कार्रवाई करवा करके बाबू चंदन अपने भाई और भयों के जेल से बाहर कैलन। आज भी
उ पापी तांत्रिक ओ जेल में बंद बा। बिरहा के सुने वाले भाई बाबू लोगन से हाथ जोड़ के हम यह बात कहबे, ये बाबू बड़ा दुनिया में साधु लोग आयल हुआ, साधु ना बल्कि सबाधु हुए। बताइए मठ पे रहना है, कुछ अच्छे साधु भी इन पापियों के चक्कर में मारे जा रहे हैं। बा, 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 क्या बात। तो हम हाथ जोड़ के है काबे बाबू, अंधविश्वास के चक्कर में आकर के अपनी हस्ती खेलती दुनिया को कभी मत उजाड़िएगा भैया। आखिरी कहना बा मास्टर साहब, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरुकारी, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी।